हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फैशन इलस्ट्रेशन को किस तरह से मैं पेंट करता हूं अपने। जैसा कि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था मैं फैशन इलस्ट्रेशन किस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो उसकी मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। तो वही वाली इलस्ट्रेशन है ये जो मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी, उसी में मैं पेंट करूँगा। तो पेंट करने के लिए जो मैं मटीरियल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पोस्टर कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ ब्रशेज हैं, पेंसिल कलर्स हैं और कुछ वाटर कलर्स हैं। इसी तरह से अब मैं इसकी शर्ट में जो कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं येलो पोस्टर कलर अप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें पोस्टर कलर जो येलो वाला है उसके लिए मैं अपना छोटे साइज़ का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और उसी से इसमें शर्ट में मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। अब जब ये कलर बिल्कुल हमारा ड्राई हो जाएगा ऑलमोस्ट 90%, देन हम इसकी सेकेंड लेयर पर आएंगे। उससे पहले हम इसकी सेकेंड लेयर पर कुछ भी नहीं कर सकते, अब उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसकी शर्ट में पेंट करने के बाद मैं उसी तरह से इसकी शूज़ में पेंट कर रहा हूँ, और इसी तरह से हम इसकी जीन्स में भी पेंट कर लेंगे, जो भी इसकी पैंट्स हैं पैंट्स में पेंट कर लेंगे। उसके लिए मैं ग्रीन पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन पोस्टर कलर मैंने ये खुद ही बनाया, मतलब ये सेकेंडरी कलर है जो येलो और ब्लू को मिक्स करने से बनता है, तो ये कलर मैंने बनाया है। बनाने के बाद इस तरह से मैं इसकी कफ में भी वही ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ। कलर अप्लाई करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कलर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, कलर की क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है, बिल्कुल एक पतली सी लेयर आए कलर की। क्योंकि जब हमने इसके ऊपर शेड्स देना है वो पेंसिल कलर से देना है। पेंसिल कलर से शेड देते हुए क्या होता है, अगर आप कलर बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे ना तो वो कलर बाद में उतरता जाएगा जब हम पेंसिल से इस पर शेड्स देंगे। अब जिस तरह से मैं पेंसिल के शेड्स दे रहा हूँ, देखो कलर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा, ना कहीं से ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि मैंने कलर की जो लेयर है वो मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं यूज़ किया, कलर बहुत कम रखा है पोस्टर कलर। इसी तरह येलो का जो भी डार्क शेड बनता है, जैसे ऑरेंज बन रहा है, मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, उससे मैं इसमें शेड्स दे रहा हूँ, जो भी इसकी शर्ट की सिल्वर्ट्स वगैरह हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने सिल्वर्ट्स दी हैं उन सिल्वर्ट्स को मैं हाईलाइट करूँगा, वही मैं चीज़ इसमें सेम कर रहा हूँ। इस तरह से इसकी बेल्ट और इसकी जो भी सेंटर पे डिज़ाइन लाइन है वो हर चीज़ कर रहा हूँ। जी, इसकी पैंट पे भी जहाँ जहाँ मैंने शेड्स देने, लास्ट वीडियो मैंने आपको उसमें वो भी बताया था कि जिस जगह पे मैं शेड्स दूंगा तो मैं पेंसिल कलर से वो भी शेड्स दे दी। अब कुछ इसकी हाईलाइट्स हैं जो इसकी डिज़ाइन लाइंस, वो मैं अपने ड्राइंग पेन से दी हैं। उसके बाद इसके कुछ पर्ल्स मैं शो कर रहा हूँ, जो भी एम्बेलिशमेंट जैसी भी आपने शो करनी है, उसके लिए मैं वाटर पोस्टर कलर वाइट यूज़ कर रहा हूँ, और उसी में छोटे छोटे डॉट लगा रहा हूँ इस तरह से वो इसके पर्ल्स लगेंगे ताकि। और एम्बेलिशमेंट कुछ भी आप कर सकते हो, कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो, मैं ये डॉट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह से इस पर अप्लाई करते जाओगे जहाँ जहाँ पे जो जो आपको चाहिए, जैसा भी आपका डिज़ाइन है। और अगर रेफरेंस पिक्चर है तो उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे। मेरे पास रेफरेंस पिक्चर नहीं है, मेरा अपना डिज़ाइन है, तो मुझे जिस तरह सूट कर रहा है मैं वो चीज़ इस पर अप्लाई करता जा रहा हूँ। शर्ट पे इसके कुछ प्रिंट दे रहा हूँ ड्राइंग पेन से, और ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है।